ये देखें जी बीफ का पुलाव, ठीक है बहुत मजेदार है। पेशावरी है ना जी, यही वाली देते और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मेरी पप्पू का इंतकाल हो गया था, तो बस फ्राइडे की रात जो है हम लोगों को ख़बर मिल गई थी कि हमारे पप्पू का जो है वो इंतकाल हो गया है। तो कल ज़हर की नमाज़ में जो है उनकी नमाज जनाज़ा थी। आप लोग दुआ करिएगा मेरी पप्पू की मगफ़रत के लिए। तो बस बहुत ज़्यादा हमारी चहेती पप्पू थी, वो बहुत ज़्यादा हम लोग उनसे अटैच थे। बहुत बीमार थी कब से, काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो बस उनका इंतकाल हो गया है। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, और संडे का दिन है तो मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और अंडा मैंने फ्राई किया है अपने लिए, और पराठे मंगाए हैं, तो अंडा पराठा खाऊँगी, तो फिर मिलते हैं। मैं जो है बच्चों को पार्क लेकर जा रही हूँ, और मुझे जो है वॉक भी करनी थी, तो मैंने कहा चलें बच्चे हम लोग चलते हैं पार्क। घर के पास में जो फैमिली पार्क्स होते हैं उसका ये फ़ायदा है कि जब दिल चाहा आप चले गए। तो आज संडे है और जो है बच्चों का लास्ट डे भी है, और स्कूल जो है कल से स्टार्ट हैं, तो मैंने कहा चलो आज संडे है तो बच्चों को थोड़ा सा पार्क ले जाऊँ और मैं जो है वो वॉक कर लूँ। तो बस जी मैं भी मॉनिटर अपने बांध रही हूँ, उसके बाद हम जाएंगे, बच्चे जो हैं रेडी हो रहे हैं शॉवर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्क। और ये अपनी नानो के घर पर हैं तो वो भी आज आ जाएंगी। इसमें थोड़ा सा जो है वो शीमा शेड लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं गंजा बाल मेरे बहुत सारे बाल है, मगर मैं अभी नहाया हूँ, मेरे मम्मा बाल बनाएगी। हाँ फैमिली पार्क जा रहे हैं, आपको वहाँ का वीडियो दिखाएंगे। अच्छा तो आइए। और हमारी मम्मा हमें वाली ट्रेन भी चलाई थी जो पहले चलाई थी है ना मम्मा, और आप वहाँ क्रिकेट भी खेले गए। और आपको मेरा मम्मा ने कल का इधर इधर आप दिख नहीं रहे हो, ऊपर आ जाओ, बैठ के ऊपर आ जाओ, चलें बताइए। अच्छा चले, और उनको ये लोग बाय बाय। क्या कह रहे हैं आपने, अपनी चीजें ड्रेसिंग के अंदर क्यों रखी हुई है मेरी चीजों में? भाई चुपा, भाई खा रहे हैं। भाई नहीं खाएंगे, ये अपनी चीजें किसी से भी शेयर नहीं करते और सबकी चीजें खा लेते हैं। पता नहीं किस पे गई है इनकी ये आदत, ना इनकी मम्मा में ऐसी आदत है, ना इनकी पापा में ऐसी आदत है, और ना इनके बहन भाइयों में। लेकिन ये जो है ना अपनी चीज़ों को इतना सेफ रखते हैं, और जो है फिर जब सबकी चीज़ों में शेयरिंग कर लेंगे ना, उसके बाद अपनी चीज़ अकेले खाएंगे, फिर किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। दिखाइए मेरे व्यूअर्स को, दिखाइए मैंने मम्मा ने आपके लिए कल क्या लाई थी। गन, गन लेकर आई थी, और इसमें क्या आ रहा है ये देखें, दे ये देखें जी क्या आ रहा है इसमें, बताइए। ये देखिए गाइस, हम टाइगर तो टॉर्च लाए रहे। वाओ, ये तो मुझे पता भी नहीं था, कितने शातिर बच्चे हैं भाई। अच्छा सॉरी डॉल्फिन, ये देखें दिख भी नहीं रही सही से। हाँ डॉल्फिन करीब आके तो करो, फिर
बस इन लोगों को ये है कि मम्मा थैंक यू, मम्मा बहुत अच्छी हैं, मम्मा यूँ हैं, बस चीज़ें ला कर दे दूँ। तो आर एस का भी यही था, आर एस को मैंने बॉल ला कर दिए। कौन सी बॉल है? कॉक की बॉल है वो, उसका ठक ठक भी करती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश। ये वाली बॉल है ला कर दी कि मम्मा दिखाएं, ये वाली बॉल है मेरी। लेकिन ये जो है हार्ड नहीं है, ये उसकी है, किसकी? रबड़ की है। बस इसका जो लुक दिया हुआ है वो हार्ड बॉल का दिया हुआ है। अब तुम उसको जला नहीं देना, उसको तोड़ नहीं देना, काट नहीं देना, ठीक है? ये भाई की बॉल है, ये काटेगी थोड़ी, जलेगी ना, कहीं मार जाएगी जलने में, तो ना ये कितना रबड़ दिखेगी। अच्छा, राहिल जो है वो कपड़े चेंज करके गए थे, तो उनके कपड़े भी मैंने कहा चले मशीन में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मशीन जो है वो लगाई हुई थी मैंने, मीन्स ऑन थी। उसके बाद जी जाने की ही तैयारी, बस रेडी नहीं होंगे तुम लोग? नहीं। इधर देखिए, ऊपर चढ़ते हो, गेम इन लोगों के पास ऊपर चढ़ना है उतरना है। पूरी ड्रेसिंग की ड्रॉ जो है वो टूट गई थी, इनके पापा ने फिलहाल जो है वो जोड़ी है। एसी जो है ना इसकी रिपेयरिंग होगी, ठीक है? अभी गर्मियां स्टार्ट होने ही वाली हैं, बस तो इसकी रिपेयरिंग होगी। चलें भाई, चलना है। ये क्या कर रहे हो बदतमीजी? चलो चलो, शूज पहनो जल्दी से, बैग उठाओ अपना, चले जल्दी से चले। इन ड्राइव मंगाई है मैंने, वो आ रही है, जब तक तुम लोग रेडी हो जाओ। बस वो 4 मिनट में आ रही है, क्योंकि कोने पे ही खड़े होते हैं ऑटो। बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई, इन ड्राइव इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छी मुझे जो है इन लोगों की सर्विस लगती है। सारे राइडर्स को जो है मैं 5 स्टार देती हूँ। और जो मैं बारिश के सेकेंड डे अपनी अम्मी के घर गई थी ना, वो वाले ड्राइवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था उसको किसी भी चीज़ में, तो बस वो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको मैंने 1 स्टार नहीं दिए। क्यों मंकी बने हो? चलिए समोसे नहीं खाए बच्चों? नहीं। क्यों? ये रहा ना बेटा, खा लो। नहीं ये यार, चले जी लाइट ऑफ करते हैं। आर एस शूज पहन लिए? साहिल आप स्लीपर पहन के जाएंगे? क्यों शूज पहने? चलिए एक लाइट ऑन करते हैं रूम की। क्यों? चलिए ये पकड़ो बॉल अपनी, नीचे खड़े हैं वो। अच्छा जी, इस गेट को भी हम लोग करते हैं और अपना हैंड पाउच लूंगी। रही है बार बार। चलें जी, ये कह रही कभी गेट बंद। सब लॉक कर दिया है, हम लोग जा रहे हैं, ड्राइव आ गया है। आप लोग वहीं पर बैठेंगे? अंदर, अंदर। हाँ अंदर, अंदर नहीं, अंदर नहीं, बाहर के बताइए, बाहर कहाँ खेलेंगे? चलिए, तो संडे है ना, जिस वजह से ज्यादा रश होगा। अजानों का टाइम हो रहा था, अभी तो मैं बैठ गई हूँ आकर, उसके बाद जो है वॉक करूंगी। कहाँ आ जाऊँ? वहाँ पर आ जाओ। चलो ठीक है, आ जाओ।
अब बस ये लोग कहते हैं कि जहाँ हम लोग बैट बॉल खेले ना वहाँ पर आप लोग आप बैठो, यहाँ पर कह रहे हैं बैठ जाएं यहाँ पर, हम जो है वो यहाँ पर बैट बॉल खेलेंगे। चलें जी, क्या कर रहे हैं? विकेट बना रहे हैं। क्यों क्यों, नहीं नहीं कुछ चुप जाएगा, पहने स्लीपर, शूज क्यों नहीं पहन कर रहा है, शूज पहनते हैं साहिल। आरिस बॉल करवाओ, ये मच्छर देखे हैं कितने मच्छर हैं, अल्लाह माफ करे। मेरी स्लीपर की जो है ना रुकने जो है विकेट बना ली, एक रन बना लिया भाई, मेरे मुझसे स्लीपर लेके गए हैं, कह रहे हैं कि विकेट बनाएंगे इसकी, सही जा रहे हैं। ये हमारे साहिल जो है ना वो लेफ्टी हैं, उल्टे हाथ से खेलते हैं लेकिन लिखते सीधे हाथ से हैं। इनके पप्पा भी लेफ्टी हैं लेकिन वो उल्टे हाथ से ही लिखते हैं और जो है उल्टे हाथ से ही बैट खेलते हैं। यार तुम लोग ये लड़ते बहुत हो। अच्छा चलें एक बॉल करा दें, ट्रेन में चलते हैं ना, पहले बैट बॉल तो खेलें। चलें भाई को तो दे दें, भाई को, भाई की बारी तो दे दो, लाओ मैं भाई को मैं बॉल करवाऊँ, लाओ लाए, मैं अपने बेटे को बॉल कराऊंगी। अरे लाइए, ओ चलें लाइए, मैं बॉल कराऊँ। मुझे वॉक करनी थी लेकिन मैं शूज़ नहीं पहन कर आई, स्लीपर पहन कर आ गई, क्या करूँ याद ही नहीं रहा। मच्छर बहुत है आपके ऊपर, कैंटीन भी ओपन हो गई है, अभी जाकर देखती हूँ क्या है यहाँ पर, लेकिन रश चेक करें यार, एक तो जब भी आती हूँ बहुत ज़्यादा रश होता है, असल में संडे भी है याद नहीं रहा मुझे। टिकट लेते हैं ट्रेन के, बच्चों ने बैठना है ट्रेन में। शबान का चांद नजर आ गया, इतना रश हो रहा है कि आज लाइन बनानी पड़ रही है ट्रेन में, मेरे बगैर नहीं बैठ रहे थे बच्चे, मैंने कहा नहीं मैं बैठ गई थी एक दफ़ा बस, अब नहीं। आरिज जो है फ्लाइंग कारपेट में गए हैं वहाँ बैठेंगे और मैं साहिल को लेकर जो है वो डॉजिंग कार में बैठूंगी। साहिल साहिल डॉजिंग कार चले, भाई को आने दो पहले, भाई को नहीं आती चलाने बेटा, भाई नहीं बैठेंगे, आप ही मेरे साथ बैठोगे। अब हम लोग डॉजिंग कार में जा रहे हैं, साहिल को लेके बैठूंगी, तुम्हें चलानी नहीं आती, मुझे आती है। नहीं 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 मैं आरिस को लेके साहिल को लेके बैठ रही हूँ, मुझे आती है, तुम्हें चलानी नहीं, नहीं 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 ऐसी राउंड राउंड घुमा दूंगी तुम्हें बस, ठीक है जी। बर्गर शर्गर हम लोग लेते हैं, क्या है यहाँ पर, चिकन बर्गर,
फ्राइज का और बर्गर का यहीं पर दूँ ना, चिकन बर्गर ये लीजिए भाई, दें अच्छा सा बनाइएगा, फ्रेश फ्रेश सा। चल हटे मैं फ्राइज के दूँ। हाँ जी भाई, एक फ्राइज भी हमारे। ये तो अच्छा लग रहा है सॉस ना, बर्गर खा के बताइए कैसा है बर्गर। यम्मी है। चेयर्स पे बैठे हुए थे तो अनकम्फर्टेबल हो रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा ग्रास में बैठ जाते हैं और नीचे बैठकर खा लो आराम से, तो इस वजह से मैं चेयर्स से उठकर जो है नीचे ग्रास पे बैठ गए हैं और अभी ये लो हम लोग खा रहे हैं। चाय ली है यहाँ से, चाय ऐसी लग रही है जैसे हम लोग ना ट्रेन में पीते थे ना, ग्रीन लाइन बस में हमें चाय मिलती थी, सेम वैसा ही टेस्ट है इसका। गाइस तो मेरी बॉल खो गई। हाँ बॉल खो दी इन लोगों ने अपनी, पता नहीं कहाँ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साहिल ने खोई है, साहिल ने खोई है। वो आ रहे इसमें, चले जी अब घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। घर आ गए, सांस फूल जाता भाई। सबसे पहले जो है घर आ गई और जो है आते ही बच्चों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई मोबाइल पे, इतना दिमाग ख़राब किया मैंने लोगों ने। चीज़ें ली थी वहाँ से मैंने, स्नैक्स वगैरह, और अब जो है साहिल का होमवर्क करवाएंगे। साहिल आपका होमवर्क करवाते हैं, ठीक है कंप्लीट करो होमवर्क। जब इनकी तबीयत ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी, तो उसका काम जो था वो डिले हो गया था। अब होमवर्क करवाऊँगी मैं इनको, और खाने का समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। आलू गोश, अभी तो आलू चिकन का सालन बनाया था, अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, या तो बाहर से ही मंगवाएंगे या बनाएंगे। हो गया कंप्लीट बैकवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड, बैकवर्ड काउंटिंग थी, ठीक है। अच्छा इसमें इसमें फोर में 2 प्लस करो तो कितने बने बताइए, 4 में 2 प्लस करो जी बताइए। 5 क्यों, 2 के बाद ये 4, ये 4 इसमें 2 प्लस करो, अपनी अपनी फिंगर्स जो है वो 2 ओपन करो, 2 ओपन करो, अब काउंट करो इसको कितने हुए। 1 2 और मेरी भी काउंट करो अपने साथ, 1 2 3 4 और अपनी भी काउंट करो ना, एक साथ काउंट करो, अपनी 2 फिंगर्स ओपन करो, चलो अब काउंट करो, 1 2 और 3 4 5 6 हाँ 6 हुए, ठीक है तो 6 बना जी, 6 बना। ये तो क्या होगा, 1 2 2 4 2 2 4 तो 4 ठीक है, 2 प्लस 5 अब 5 फिंगर्स में 2 फिंगर्स ऐड करो, 5 फिंगर्स में 5 में 1 2 हाँ 3 4 5 और 6 हाँ 7 गुड बस 7 तक काउंट करो, चलो 7 करो, 7 जी गुड। हाँ आरिफ मोबाइल छोड़े, बैग लेके बैठे हैं, फौरन से आ जाओ फौरन। 6 प्लस 2 6 प्लस 2 काउंट करो हाथ में, हाँ काउंट करो, 6 फिंगर कौन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हाँ 6 6 6 में 2 ऐड करो, 6 में 2 फिंगर्स और ऐड करो, 6 हाँ 2 6 2 6 6 में 2 और काउंट करो ना फिंगर, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8 बस 8 बनाना, 8 बनाना। मैं जो हूँ राहिल के साथ जा रही हूँ फेमस पुलाव लेने, बीफ का, तो मैं आपको वो शॉप भी दिखाऊंगी जहाँ से हम लोग पुलाव लाते हैं। इसका पुलाव इतना कोई टेस्टी होता है, इतना कोई टेस्टी होता है कि बस, तो बहुत ज़्यादा मज़े का है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में ही है, तो
तो मैं वहाँ जा रही हूँ राहल के साथ। राहल ने कहा चलो आओ चल चलो तुम भी साथ चलो, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। मैंने कहा मुझे पेशावरी आइसक्रीम खानी, तो कहने लगा चलो आइसक्रीम भी ले लेना, क्योंकि मुझे पेशावरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो पेशावरी आइसक्रीम शॉप जो होती है ना वहाँ की, तो जी चले चलते हैं। साहिल तुम क्यों हमारे साथ हर जगह जाते हो? है साहिल क्यों 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 जाते हो? आप क्या ढूंढ रहे हो फ्रिज में? कोल्ड ड्रिंक। इधर आ जाओ शराफत से, बाहर आ जाओ। चलो तुम घर में ही रहो, भाई भी घर पर है ना, तुम भी घर पर रहो हमारे। हाँ ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं तुम यहीं पर रहो, हम जा रहे हैं। चले 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 हाँ जाइए अंदर जाइए अंदर जाइए फ़ौरन से फ़ौरन अंदर जाइए। इतने अच्छे नहीं हो तुम कि हमारे साथ नहीं चलोगे? हाँ आराम से आराम से। थोड़ी थोड़ी ठंड अभी है, दिन में तो नहीं होती लेकिन रात में होती है, तो इसलिए मैं जो है वो गर्म शॉल होके जो है बाइक पे तो लगती है ना सर्दी। ये देखें जी ये इसका पुलाव इतना कोई मज़े का होता है ना माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है सैलेड भी मिल रहा है। तो ऐसा है इसका पुलाव कि एक पतीला खाली होता है, दूसरा पतीला रख दिया जाता है माशाल्लाह से। ये देखें रोड के जो उस पार है वहाँ पर सारे जो है वो चेयर्स वगैरह लगी हैं। यहाँ पर लड़कों का है जहाँ पर सिर्फ लड़के खाएंगे, अंदर फैमिली हॉल है, इससे आगे भी फैमिली हॉल है माशाल्लाह से। ये देखें जी अभी मैं आप लोग को बता ही रही थी कि मेरे सामने ही ये हो गया कि एक पतीला खाली हुआ है और दूसरा जो है इनके वर्कर जो है वो रख रहे हैं। ये देखें जी ये पेशावरी आइसक्रीम शॉप और यहाँ पे आइसक्रीम नो पेशावरी नहीं नहीं पार्सल है पार्सल ओपन पेशावरी ये है ना जी यही वाली दे दें। आइसक्रीम खाती हुई आई हूँ, पूरी फिनिश हो गई है मेरी आइसक्रीम अब, बहुत ही ज़्यादा यमी यमी यमी। राहल मैं जा रही हूँ ऊपर, ठीक है गेट बंद कर कर आ जाइए। आरत साहिल गेट बंद कर दें, बाइक अंदर खड़ी कर रहे हैं ऊपर। ये देखें जी बीफ का पुलाव, ठीक है बहुत मज़ेदार, और सैलड जो है बिल्कुल फ्रेश, हाथ के हाथ जो है वो काट कर देते हैं। ये सैलड का जो है मसाला भी है। हाँ ये सब में डाल दूँ? सब खा लो क्या हुआ? ओके ये जी बच्चों के लिए बन रहा है बनाना शेक, साहिल को बनाना शेक पीना था। और बनाना जो है वो इतने सारे फ्रूट्स वाले थे लेकिन बनाना किसी के पास भी नहीं था, तो हमने यही बोला राहिल और मैंने, हमने कहा अभी से ही ये हाल है, जब रमज़ान होंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। आई थिंक सो स्टॉक कर रहे होंगे रमज़ानों के लिए, क्योंकि रमज़ानों में इस कदर महंगे देते हैं ना, अभी भी इतनी मुश्किल से मिले वो भी इस तरह के। तो क्या तुम लोग बनाना ऐसा करो आगे आओ और तुम लोग बनाओ। थैंक यू मम्मा, बहुत अच्छा मम्मा बनाइए। एक एक करके डालो 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 लाइन ये दो खाने में बीच में से। हाँ तो मम्मा मैं भी वही कर रहा हूँ। चलो चलो अभी हम लोगों ने बिरयानी खा ली है, अभी मैं यहाँ से शॉपर वगैरह समेट रही थी तो उसमें से ये फ्राई प्याज निकली है। पुलाव के साथ ये तली हुई प्याज भी देते हैं, तो ये तो हम लोगों ने खाई नहीं। हाँ हुरिया होती तो हुरिया लाजमी खाते। तो जी एक तरफ बन रही है राहल की नहीं चाय और दूसरी तरफ बच्चों के लिए मैंने शेक बना दिया है, तो ये लोग बनाना शेक पियेंगे। पूरा कदेरो ठीक से।
फिर कौन सा? ये वाला अनिस टेस्ट करती क्या करूँ यदि पी लो ये भाई को भी। चले जी यहीं पर अपने ब्लॉग का हम एंड करते हैं और जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाइए फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे मोटिवेट करें। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।